मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे अब वोट कटने का डर सता रहा है। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े इंडिया गठबंधन में भी खींचतान साफ तौर पर देखी जा रही है। आलम यह है कि यह विपक्षी गठबंधन मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रहे हैं। ऐसे में मंच पर एकता का प्रदर्शन करने वाला यह इंडिया गठबंधन सिर्फ सत्ता की लालसा रखने वाले दलों का एक झुंड मालूम पड़ता है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और राकपा जैसे दल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनके बीच कोई गठबंधन नहीं है। ये सभी दल यहाँ एक दूसरे के कान काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जेडीयू ने एमपी की 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मेहगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने राहुल भदौरिया को टिकट दिया है। इसी सीट से इंडिया गठबंधन में शामिल सपा ने ब्रजकिशोर सिंह गुर्जर को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सतिंदर भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है। सेवड़ा की बात करें तो सेवड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार फूल सिंह बैरिया चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बैरिया के खिलाफ सपा के आरडी राहुल अहिरवार और आपकी रमणी देवी जाटव चुनाव लड़ रही हैं। शिवपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने केपी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अनूप गोयल को मैदान में उतार दिया है। वहीं चाचौड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह के नाम पर दांव खेला है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने ममता मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। महाराजपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर नीरज विनोद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो वहीं आपकी ओर से रामजी पटेल चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों के अलावा बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन भी सक्रिय है। गठबंधन प्रदेश की करीब 72 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। प्रदेश की सभी सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। एमपी में चुनाव के लिए 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद नामांकन की शुरुआत हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो 2 नवंबर तक कर सकता है, जिसके बाद 17 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को होगी। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया के कई दल अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत कांग्रेस को ही होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये दल कुछ महीने पहले बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुए थे, कहीं उस मुहिम को भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।